ऑस्टिन एक्वेरियम्स में नया स्टॉक आया है, बहुत सारे एक्वेरियम फिश है यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप गोल्ड फिश देख सकते हो, गोराबीज है, बाद में जैक डेम्सी की वेराइटीज है। तो बहुत ही रेयर भी स्टॉक है और एक्जोटिक स्टॉक है। तो सारे हम लोग फिश है उनको हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको बहुत सारी जानकारी है इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं और देखते हैं ऑस्टिन एक्वेरियम्स में कौन सा नया स्टॉक आया हुआ है। स्टोर में जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक सिकलेट फिश का एक्वेरियम है, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल वेराइटीज़ ऑफ मालावी सिकलेट है, जिसमें फाइव कलर है, पिकॉक सिकलेट है, स्ट्रॉबेरी सिकलेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कम से कम 3 से 4 वेराइटीज़ के एक्वेरियम फिश है और ये सारे है ये स्मॉल साइज़ में है। इनका अभी जो करंट साइज़ है ये 3.5 इंचेस का साइज़ है, बट ये सारे जो सिकलेट फिश है ये कम से कम 7 से 8 इंचेस तक ग्रो होते हैं। अगेन डिस्प्ले टैंक में और एक कोई फिश का स्टॉक है, ये मिक्स वेराइटीज़ ऑफ कोई फिश है, कम से कम 5 से 6 इंचेस के साइज़ में रहेंगे और सारे जो कोईज है वो हेल्दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस टैंक में 2 वेराइटीज़ के एंजल फिश आपको देखने को मिल जाएंगे, एक है डेविल रेड कैप एंजल फिश और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू लेपर्ड एंजल फिश। इस टैंक में देख रहे हो ये है मीडियम साइज ऑफ मोटर ऑफ स्टिंगरे और दोनों भी काफ़ी हेल्दी है, इसके आप स्किन देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। जैसे ही नेक्स्ट टैंक में आप मूव ऑन हो गए तो यहाँ पे आपको 2 वेराइटीज़ के गोल्डफिश है वो देखने को मिल जाएगी। ये सारे सिंगापुरी ब्रीड है, मतलब सिंगापुर से इम्पोर्ट किए हुए है, ड्यूंकिन गोल्डफिश है और बाद में ओरंडा गोल्डफिश है। इस टैंक में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगापुरी ब्लैक पांडा ओरंडा है और काफ़ी हेल्दी क्वालिटी है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको रेड कैप ओरंडास भी देखने को मिल रहे हैं पीछे टैंक में। इस टैंक में है शॉर्ट बॉडी ज्वेल सिकलेट, काफ़ी खूबसूरत सिकलेट है, इनका कलर पैटर्न बहुत ही अच्छा रहता है और ब्यूटीफुल सिकलेट वेराइटीज है ये। नेक्स्ट टैंक में जैसे भी आप मूव ऑन हो गए तो यहाँ पे आप ये है फ्लेम गुराबी, काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं और लाइव प्लांटेड में रखोगे तो इनका जो ट्रू कलर रहता है वो निखर के आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन 3 इंचेस के ये गुरामीज है। इस टैंक में है इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डेम्सी, काफ़ी कम शॉप है इन्हें स्टॉक करते हैं और आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है इनके ऊपर पैटर्न। जैक डेम्सी में बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज आती है बट मुझे पर्सनली सबसे ब्यूटीफुल ये इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डेम्सी है वो लगते हैं। इस टैंक में देख सकते हो ये है क्लाउन नाइफ फिश, इस टैंक में 2 वेराइटीज़ के बलून रैम्स है, एक है जर्मन ब्लू रैम और दूसरा है गोल्डन रैम। नेक्स्ट टैंक में जैसे आप मूव ऑन होते तो यहाँ पे आपको रमिनोस टेट्रा देखने को मिल जाएंगे, पॉपुलर वेराइटीज ऑफ टेट्रा फिश है और एक स्कूलिंग फिश है, आप देख सकते हो इनका अभी भी जो स्कूल है वो वीडियो में कैसे दिख रहा है। इस टैंक में है अल्बाइनो टाइगर ऑस्कर फिश और टाइगर ऑस्कर फिश, इन दोनों ऑस्कर फिश का जो साइज़ है वो 2.5 इंचेस का है। जैसे आप नेक्स्ट टैंक में मूव ऑन होगे तो यहाँ पे आपको ब्लड रेड पैरट फिश है देखने को मिल जाएंगे, ये भी 2.5 इंचेस के साइज में है। इस टैंक में भी सेम है पैरट फिश, बट इन पैरट फिश का जो कलर है वो येलो कलर का है। दोनों वेराइटीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है सिकलेट फिश में, तो दोनों फिश आप रख सकते हो एक साथ। इस टैंक में है कोई एंजल फिश, ये 2 इंचेस के साइज में है। इस टैंक में है प्लैटिनम एंजल फिश, ये भी 2 इंचेस के साइज में है।
इस टैंक में आपको दो वेराइटीज़ के एंजल फिश देखने को मिल जाएगी, एक ब्लू एंजल फिश है और एक लेपर्ड ब्लू एंजल फिश है। नेक्स्ट टैंक में आप जैसे मूव ऑन होंगे तो यहाँ पे दो वेराइटीज़ के एंजल फिश देखने को मिल जाएंगे, एक है मार्बल एंजल फिश और सेकंड है प्लैटिनम एंजल फिश। इस टैंक में देखोगे तो आपको यहाँ पे बड़े साइज में जियोफगस देखने को मिल जाएंगे, ये तकरीबन 6 इंचेस के साइज के है। इस टैंक में है बड़े साइज में ब्लड रेड पैरट फिश, ये तकरीबन 8 से 9 इंचेस के साइज का है, बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही हेल्दी है। आप देख सकते हो इनके जो मूवमेंट है इससे आपको पता चल जाएगा। इस टैंक में है येलो लैप सिकलेट जिसे बनाना सिकलेट भी बोला जाता है। इस टैंक में है जायंट साइज ऑफ गोल्ड फिश, कुछ शुभंगिन गोल्ड फिश भी है, तो यहाँ पे मल्टीपल वेराइटीज के गोल्ड फिश अवेलेबल है। इस टैंक में है 4 इंचेस के साइज में डिस्कस फिश है, काफी बड़े साइज में है और ये सारे इम्पोर्टेड डिस्कस फिश है। इस टैंक में आप देख सकते हो मोस्ट पॉपुलर सिल्वर अरवाना, ये है 5 से 6 इंचेस के साइज में है। अभी आप डिस्कस फिश देख रहे हो, ये 2 से 2.5 इंचेस के साइज में है और काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं, इम्पोर्टेड है। हमने जो प्रीवियसली अभी जो डिस्कस फिश देखे थे वो 4 इंचेस के थे, अभी ये है 2 से 2.5 इंचेस के साइज में है। ऑस्टिन एक्वाडिक का थर्ड जो लॉट है हम लोग देख रहे हैं डिस्कस फिश का। इनफैक्ट अभी जो है ऑस्टिन एक्वाडिक में बहुत सारे डिस्कस फिश के वेराइटीज अवेलेबल है, ये भी 3 से 3.5 इंचेस के साइज में है और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, एक्टिव भी है। इस टैंक में देख रहे हो ये है सिल्वर डॉलर फिश है, अभी कल ही स्टॉक आया था तो इसके लिए अभी सेट नहीं हुए हैं, बट काफ़ी हेल्दी दिख रहे हैं। इस टैंक में है ब्लैक गोश नाइफ फिश, ये 3 इंचेस के साइज में है विदाउट टेल। इस टैंक में देख रहे हो ये है जेब्रा डेन्यूज, मिक्स कलर में अवेलेबल है। इस टैंक में है मिक्स वेराइटीज के हार्लिक्यूज राजबोरा। इस टैंक में है ब्लैक नियोन टेट्रा फिश, काफी पॉपुलर है और ये मीडियम साइज के अभी अवेलेबल है ऑस्टिन एक्वाडिक्स में। इस टैंक में अभी आप देख रहे हो ये है प्रेस्टिला टेट्रा, जो एक काफी कम देखने को मिलते हैं शॉप में, पर ऑस्टिन एक्वाडिक्स में अवेलेबल है स्टॉक। नेक्स्ट टैंक में जैसे आप मूव ऑन होंगे तो यहाँ पे आपको सर्फी टेट्रा देखने को मिल जाएगी, ये वेल्टेड सर्फी टेट्रा है। इस टैंक में अभी आप देख रहे हो ये है कार्डिनल टेट्रा है, ये मीडियम साइज़ के कार्डिनल टेट्रा है और अच्छी खासी हेल्दी कंडीशन में है। इस टैंक में अभी आप देख रहे हो ये है कलर वीडो टेट्रा, काफ़ी कलर्स में अवेलेबल है और खूबसूरत दिख रहा है। आप अगर वीडो टेट्रा ले रहे हो तो एक मल्टीपल कलर में ले लो, ये काफ़ी खूबसूरत से दिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 कलर्स में अवेलेबल है अभी। इस टैंक में 2 प्रकार के लॉबस्टर है वो देखने को मिलते हैं, एक है रेड लॉबस्टर, दूसरा है ब्लू लॉबस्टर। और जैसे ही हम लोग अगले टैंक में मूव ऑन होते हैं तो यहाँ पे आपको जेब्रा डेनियस का मल्टीपल कलर का स्टॉक है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ऑस्टिन एक्वाडिक्स में बेटा फिश का स्टॉक भी अवेलेबल है, फुल मून बेटा फिश है, कुछ डबल टेल बेटा फिश अवेलेबल है। इस टैंक में देख रहे हो ये है गोल्डन पर्ल अरवाना,
काफ़ी खूबसूरत है, 15 इंचेस के साइज़ में अवेलेबल है ऑस्टिन एक्वाटिक्स में। तो दोस्तों ये था ऑस्टिन एक्वाटिक्स में जो नया स्टॉक आया है उसके ऊपर अपडेटेड वीडियो था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो है वो अच्छा लगा रहेगा, और अगर आपको कोई भी एक्वेरियम फिश की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस अवेलेबल है। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन हो तो सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कुरियर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करने को जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलते कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।